राजनांदगांव जिले के अर्जुनी में मनरेगा श्रमिकों ने मजदूरी भुगतान में कटौती के मामले को लेकर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि लगभग दो वर्षों से मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में कटौती की जा रही थी और इसी के चलते मनरेगा श्रमिकों ने आक्रोश में आकर जिले के अर्जुनी में सड़क पर गैती फावड़ा रखकर चक्का जाम किया। मनरेगा श्रमिकों ने इस दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि मेट और रोजगार सहायक मिलकर उनकी मजदूरी भुगतान में कटौती कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दो वर्ष से लगभग उन्हें 140 और 160 रुपए के आसपास ही मजदूरी दी जा रही है। वहीं सड़क पर मनरेगा श्रमिकों के द्वारा चक्का जाम किए जाने की सूचना मिलने पर डोंगरगांव SDM मनोज पाल मरका मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत करते हुए इस मामले की जांच का आश्वासन दिया। साथ ही अल्प मजदूरी भुगतान के मामले को लेकर भी SDM ने कहा कि मनरेगा PO को निर्देशित कर मामले की जांच की जाएगी। कोई चक्का जाम नहीं था, कुछ देर के लिए महिलाएं जो रोजगार गारंटी में काम कर रहे हैं कुछ उनके मेट का कुछ इशू था, मेट और रोजगार सहायक से रिलेटेड, उसका समाधान कर रहे हैं, समाधान हो जाए। नाप के आधार पर उनको जो भी असेसमेंट किए होंगे जिस आधार पर है हम उसको पूरा जांच करेंगे। मनरेगा PO को हमने निर्देशित किया है कि वो स्पॉट में जाकर चेक करें और विधिवत निराकरण करें। पूरा पैसा कर्जा चाहिए डेढ़ सौ देखे ना तेरे का पू रही है मतलब भैया चाहिए 240 मिलना चाहिए 240 मिलना चाहिए हाँ। और 150 दे दे हाँ। अच्छा कौन काटा तो पूछे वो साहब काटते है मैंने भाई मैडम माना थे मैडम काटते हैं कतिक साल से काटा थे तीन चार साल।